इंडिया की रीसेंट सक्सेस आई है, आप भी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे, बड़ा अच्छा दौर गुजरा। क्वालिटी 4-day 5-day क्रिकेट में ही बनता है, ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलोगे तो मीडियोक्रिटी आ जाए। पैसे बनाओ T20 से, लेकिन अगर प्लेयर बनाना है तो लंबे समय खेलना। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की एक जो बातें की एक जो बात उसने कहा कि सिस्टम इज द की। उनका सिस्टम सितंबर में शुरू होता है, मई में खत्म होता है, हर फॉर्मेट का क्रिकेटर। ये सिर्फ बीसीसीआई के अंडर जो आते हैं, हमारे पास एक मीडियोकर टैलेंट आने लग गए हैं, हमारे लड़के खेलते हैं नजर ही नहीं आता। वो केआर राहुल को देखें, श्रियाज सैयर को देखें, शान किशन को देखें, क्या परफॉर्मेंसेस हैं, हमें ऐसे लड़के कैसे मिलेंगे। टीवी चैनल पे सौरभ गंगोली की बातें सुनी आपने? बिल्कुल, क्या एग्जैक्ट और क्लास बातें की है उस बंदे ने। रिस्पेक्ट फॉर हिम। क्या बोला उस बंदे ने? 4-day 5-day क्रिकेट चलाओ। IPL नहीं, 4-day 5-day क्रिकेट। बिल्कुल, जब तक आप 4-day 5-day क्रिकेट खेलोगे, आप में आपकी टेक्निक, आप बड़े प्लेयर, आपको शॉट्स, हर चीज, आप मुकम्मल प्लेयर बनते हैं। उसके बाद आप वनडे में भी टैकल करते हैं, फिर आप T20 में भी खेलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बेताशा, ये सौरभ गंगोली ने बोला ना तो हमारे लोगों को शायद समझ आ जाए, हम बोलते तो नहीं समझ आती। बिल्कुल, हम तो 85 दो बोल चुके हैं, 4-day क्रिकेट से प्लेयर आता है। ठीक है, 4-day 1-day T20 ऐसा नहीं होता, T20 1-day 4-day ऐसा कभी नहीं होता भाई। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला? पैसा डोमेस्टिक क्रिकेट में होना चाहिए, जो कि इंडियन क्रिकेट के पास बहुत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम शानदार खेल का प्रदर्शन दिखा रही है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए यह वर्ल्ड कप बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। बताते चले कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही गंदा प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को देखकर जब सौरभ गांगुली से पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तानी टीम को पूरी तरीके से झाड़ कर रख दिया। सौरभ गांगुली ने कहा कि जब तक आप 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं तब तक आप कभी भी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते हैं। सौरभ गांगुली ने कहा कि पाकिस्तानी टीम T20 फॉर्मेट की क्रिकेट बहुत खेलती है, यही रीजन है कि वह अच्छी टीम नहीं बन पाई है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया के डोमेस्टिक कल्चर की भी जमकर तारीफ की है। सौरभ गांगुली ने कहा कि भारतीय क्रिकेट के पास इतना पैसा है कि अगर आज कोई डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है तो उसकी लाइफ पूरी तरह से सिक्योर है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने सौरभ गांगुली की तारीफ करते हुए कहा कि सौरभ गांगुली ने जो बात कही है वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए पूरी तरह से फिट बैठती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने सौरभ गांगुली के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट को लेकर क्या कहा है। क्रिकेट में ना हम सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है, हम वही गलतियां बार बार किए जाते हैं, रिपीटेडली हम वही चीज़ें करते हैं कि मतलब जिसकी वजह से हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉपर एक सक्सेसफुल सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं। बाई सिस्टम, बाई प्रोसेस, आई जस्ट मीन के वी डोंट हैव अ प्रोसेस और सिस्टम जहाँ से प्रॉपर टैलेंट आइडेंटिफाई हो, प्रॉपर उसको ग्रूम किया जाए, प्रॉपर उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ बड़े प्लेयर और जिस तरह से सिस्टम के हवाले से, मैं ये चाहता हूँ लोगों को कि जो आपका इंटरव्यू था जो आपने गंगुली का किया था वो देखें सब, बिकॉज आई शेयर्ड इट ऑन द सोशल मीडिया और क्या खूबसूरत आपने इंटरव्यू किया और क्या खूबसूरत गंगुली ने बातें की। पाकिस्तान की क्रिकेट का असल मसला डोमेस्टिक में क्वालिटी क्रिकेटर्स जो नहीं आ रहे, केआर राहुल, श्रियाज सैयर, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन जैसे प्लेयर हमारे पास कहाँ हैं। सच मान लेना, जब सोहेब शकील कर बैटिंग कर रहे थे, सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे, टीवी चैनल पे सौरभ गंगोली की बातें सुनी आपने? बिल्कुल, क्या एग्जैक्ट और क्लास बातें की है उस बंदे ने। रिस्पेक्ट फॉर हिम। पैसा डोमेस्टिक क्रिकेट में होना चाहिए, जो कि इंडियन क्रिकेट के पास बहुत है। जब आपका पैसा होता है, ठीक है, आपके लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देते हैं, वो लीगों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो अपनी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उस बेचारे को क्या पता है कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने में हमारे क्रिकेटर्स का इतना नहीं इतना बड़ा हाथ है। उस बेचारे को क्या पता, ये जिन लोगों से जिन लोगों को उसने मैसेज दिया ना, हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं कि पाकिस्तान, उसने क्या बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट में छोटी छोटी एडजस्टमेंट की जरूरत है जी। उस बेचारे को ये नहीं पता, ये हमारे क्रिकेटर PSL से उठा के
पाकिस्तान टीम में ले आते हैं 20 ओवर की क्रिकेट से, वनडे में भी हमारे क्रिकेटर्स टीवी चैनल पे बैठ के उन्हीं 20 वालों को जिसकी परफॉर्मेंस है या नहीं, जिसकी फिटनेस है या नहीं, दोस्ती या रिश्तेदारियां, यही क्रिकेटर्स निभा रहे होते हैं। सुपरस्टार हमारे क्रिकेटर, आपको याद है शादाब खान को वेस्ट इंडीज में हमने टेस्ट में डेब्यू कराया था, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बीएसएल से डायरेक्ट, अच्छा बिल्कुल। उसके बाद ये गंगोली जैसे लोग या और जैसे लोग जब बोलेंगे ना, ये पता क्या बोलेंगे यार, गंगोली ने क्या बात की है। गंगोली के हमने इंटरव्यू की बात की, उससे उनसे पूछा गया कि आप इतने ऊपर कैसे चले गए टीम, उन्होंने कहा कि हम सितंबर से लेकर मार्च तक अपना डोमेस्टिक तमाम लड़के खेलते हैं, अगर इंटरनेशनल ड्यूटी पे कोई भी लड़का नहीं है उसके अलावा फिर हम दो मंथ सिर्फ आईपीएल खेलते, कोई दुनिया की लीग नहीं खेलने देते। तो ये जो मंत्रा है ना लड़कों के माइंड सेट के अंदर कि हम पैसा बनाएंगे, दुनिया की लीग खेलेंगे, उधर से पैसा कमा लेंगे, उसका रिजल्ट ये है कि आप 10 ओवर भी नहीं कर पा रहे। मतलब हमने घर की मुर्गी दाल बराबर समझना शुरू कर दिया। ये नहीं समझना, हमने ये समझना है कि अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वैल्यू देनी है, इधर आपने परफॉर्म करना है। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया सौरभ गांगुली की बातों से पूरी तरह सहमत दिखाई दी। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी टीम के डिप होने का मेन रीजन यह है कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। बताते चले कि दुनिया में कहीं भी लीग होती है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर जरूर खेलने जाते हैं, वो भी ऐसे प्लेयर नहीं जो टीम का पार्ट नहीं है, ऐसे प्लेयर खेलने जाते हैं जो 15-80 टीमों में से टॉप 5 के प्लेयर होते हैं, जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, ये सभी प्लेयर दुनिया भर की छोटी छोटी तमाम लीगों में खेलने जाते हैं। इसका मेन रीजन यह है कि उन्हें पैसे कमाने हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा दुनिया की और कोई भी लीग खेलने नहीं देता है, यही रीजन है कि भारतीय प्लेयर्स पूरी तरह से फिट रहते हैं और केवल डोमेस्टिक क्रिकेट और अपने इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करते हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तानी टीम चाहे 50 ओवर की बात करें या फिर टेस्ट क्रिकेट की, उसमें पूरी तरह से पिटती हुई दिखाई देती है। बताते चले कि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है उसमें पाकिस्तानी टीम का अता पता ही नहीं रहता है। वहीं दूसरी तरफ भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो नहीं जीत पाया लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जरूर पहुंचा था, वो भी दोनों बार। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत का इसमें प्रदर्शन शानदार रहा है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम के डोमेस्टिक कल्चर की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।